देखो इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन। देखिए हम बात करेंगे यहां पर न्यूटन एडवांसिंग मेथड। पहला मेथड था वो डायरेक्ट बाइनोमियल मेथड, बुक है 5 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे बुक से। न्यूटन एडवांसिंग डिफरेंस मेथड प्रश्न संख्या 5। न्यूटन एडवांसिंग डिफरेंस मेथड, देखिए न्यूटन एडवांसिंग डिफरेंस मेथड को किस प्रकार से कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। न्यूटन एडवांसिंग आपको दे रही है, देखिए एज क्वेश्चन में कह रहा है कि एज आपको दे रखी है, क्या दे रखी है एज, और एज कितनी कितनी दे रखी है 10, 15, 20, 25 10, 15, 20 और 25 और एज 30। ठीक, और फिर आपको क्या दे दिया प्रीमियम ऑफ लाइफ प्रीमियम, और प्रीमियम आपको प्रश्न में दे रखा है 23, 40, 35, 28, 20, 15। ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में बोलेगा न्यूटन एडवांसिंग मेथड से इसको हल कीजिए, न्यूटन एडवांसिंग मेथड। और न्यूटन एडवांसिंग मेथड कब फॉलो होता है, देखिए यहां पर इक्वल डिफरेंस है क्लियर, तो वहां पर आपका न्यूटन एडवांसिंग मेथड फॉलो होगा। यदि क्वेश्चन मार्क का चिन्ह आएगा पर्सन वाचक मिसिंग वैल्यू है तो आपकी डायरेक्ट बाइनोमियल मेथड लगेगा, जैसे नाउन नंबर 2, नाउन नंबर 3 वगैरह वो वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन हल होगा। लेकिन यहां पर देखिए यहां पर इक्वल डिफरेंस है, ठीक है, तो जो ये है इसको तो हम x मानेंगे और इसको क्या मानेंगे y। तो न्यूटन एडवांसिंग मेथड में सबसे पहला स्टेप होता है हम डिनोट करते हैं क्लियर x और y से, फिर इनको आप सीरियल नंबर देंगे x0, x1, x2, x3, x4। इधर वैसे y0, y1, y2, y3, y4। क्लियर होगी बात, ठीक है, ये पहला स्टेप होता है क्लियर। दूसरा जो स्टेप होता है वो टेबल ऑफ फिनाइट डिफरेंस बनाने का होता है, क्या बनाने का टेबल ऑफ फिनाइट डिफरेंस। देखिए कैसे यहां पर ये कितने हैं 4 तक, तो यहां सबसे पहले डेल्टा 1 बनाएंगे, यहां डेल्टा 2, यहां पर डेल्टा 3 और यहां पर डेल्टा 4, ठीक क्लियर। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा, देखिए इसको छोड़ देंगे, यहां पर डेल्टा 1, डेल्टा 1, डेल्टा 1, डेल्टा 1, यहां इसको इसको, तो यहां डेल्टा 2, यहां डेल्टा 2, यहां डेल्टा 2, इसको इसको इसको, ये क्या हो जाएगा डेल्टा 3, ये डेल्टा 3, फिर इसको 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 और इसको, ये आपका डेल्टा 4, ये नोट करना है। अब यहां 0, 1, 2, 3, यहां 0, 1, 2, यहां 0, 1, और ये क्या रहेगा क्लियर हो गया। फिर क्या करते हैं कि 35 में से 40 को घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 5, 28 में से ये माइनस का 7, 20
में से 28 प्लस का माइनस का 8 और ये माइनस का 5। फिर उसके बाद माइनस 7 में से देखिए आपको घटाना है, माइनस 7 में से माइनस करना है और माइनस के कितने करने हैं 5 करने, तो माइनस का 7 और माइनस से माइनस कितने हो गए प्लस, तो ये माइनस का 2। फिर माइनस के 8 है और उसमें से हमें क्या करना है माइनस, और माइनस के कितने करने 7, तो माइनस 8 और माइनस से माइनस प्लस 7, तो ये बचा है माइनस का 1। ठीक, फिर आपको क्या करना है, माइनस का 5 है और आपको माइनस और माइनस का 8 घटाना है, तो माइनस और माइनस क्या हो गए प्लस, तो ये प्लस का क्या बचेगा 3। क्लियर हो गया। अब माइनस के 1 में से आपको फिर क्या घटाना है, माइनस का 2, तो माइनस और माइनस प्लस और माइनस का 1, तो प्लस का क्या बचेगा 1। और प्लस के 3 में से माइनस 1 जाएगा, देखिए प्लस का 3 है और माइनस, और माइनस का 1 जाएगा, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा 4। प्लस के 4 में से ये गया है तो बचेगा क्या प्लस का, ये कैलकुलेशन आपको आज भी क्लियर है क्या? हाँ, ये आपका स्टेप नंबर कौन सा हो गया, सेकेंड स्टेप हो गया। कितने देखिए, न्यूटन एडवांसिंग मेथड में 4 स्टेप होते हैं, न्यूटन एडवांसिंग मेथड में कितने होते हैं 4 स्टेप। पहला स्टेप तो ये मानो, दूसरा स्टेप डेल्टा तैयार करने का, टेबल ऑफ फिनाइट डिफरेंस बोलते हैं इसको, ये भी आ गए। तीसरा स्टेप होता है इसमें एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने का, किसकी एक्स की वैल्यू, तो तीसरा स्टेप कैलकुलेट होगा एक्स बराबर एक्स एक्स माइनस एक्स जीरो बटा एक्स वन माइनस एक्स जीरो, ये फॉर्मूला फिक्स है। अब आपको पर्सन देखिए, पर्सन भी ये कह रहा है कि एस्टिमेट बाय द न्यूटन्स मेथड ऑफ इंटरपोलेशन इंटरपोलेशन एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ लाइफ ऑफ द एज ऑफ 24 ईयर द फॉलोइंग डेटा। अगर इसकी एज 24 हो तो देखिए यहां पर एज 10 है, 15 है, 20 है, 25, और ये कह रहा है 24 हो तो यहां प्रीमियम कितना पे करना पड़ेगा वो अपने को कैलकुलेट करना है। तो यहां पर एक्स एक्स की वैल्यू कितनी है 24 वाले, क्लियर हो गई बात। अब यहां पर x0 10 और ये x1 कितना 15 माइनस 10, तो ये आ गया 14 डिवाइड बाई 5, तो 14 में 5 का कैलकुलेटर कैलकुलेटर 14 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 2.8। क्लियर हो गई बात। ये थर्ड स्टेप हो गया, कौन सा स्टेप हो गया थर्ड। उसके बाद आता है इसमें फोर्थ स्टेप, और फोर्थ स्टेप क्या होता है देखिए, y x इक्वल टू y जीरो प्लस x डेल्टा 10 प्लस x x माइनस 1 1 इंटू 2 डेल्टा 20 प्लस x x माइनस 1 x माइनस 2, ये बढ़ता चलेगा और 1 इंटू 2 इंटू 3, फिर आपका क्या जाएगा डेल्टा 30 प्लस x x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3 और बटे में 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 और डेल्टा आपका 40। डेल्टा आपका क्या 40, यहां पर कितना था डेल्टा 40, फॉर्मूला भी था 40 था, क्लियर हो गया। अब देखिए यहां मान रखेंगे y 0 का मान कितना है 40 प्लस x का मान 2.8, डेल्टा 10 का मान है माइनस का प्लस, एक्स का मान उधर आ गया 2.8 माइनस 1 बटा 2 इंटू डेल्टा 20 का मान माइनस का 2, क्लियर ठीक है। एक्स का मान 2.8 माइनस 1 और 2.8 माइनस 2 बटा 6, डेल्टा 30 का मान 1 प्लस 2.8 माइनस 1 और 2.8 माइनस 2 और 2.8 माइनस 3 बटा 24 इंटू 3, क्लियर। अब इसको हल करेंगे हम, तो देखिए चालीस प्लस 2.8 इंटू 5
तो ये माइनस का कितना आ जाएगा 14 प्लस, ये बच गया 2.8 और यहां बच जाएगा 1.8 बटा 2 इंटू माइनस के 2 प्लस 2.8 यहां पर 1.8 और यहां पर 0.8 बटा 6 इंटू 1 प्लस 2.8 1.8 0.8 और माइनस का 0.2 बाय 3 माइनस 2.8 बटे 24 इंटू 3 क्लियर हो गई बात। अब यहां पर देखिए 40 माइनस 14 है, अब देखिए ये माइनस का साइन है, सबसे गुणा होगा तो ये भी साइन किसका हो जाएगा माइनस का, तो 2.8 इंटू 1.8 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 तो ये आ जाएगा 5.04। फिर देखिए ये प्लस 2.8 इंटू 1.8 इंटू 0.8 डिवाइड बाई 6 इंटू 8 ये आ गया 0.672। फिर देखिए ये माइनस का है तो ये भी क्या आएगा माइनस का, तो 2.8 इंटू 1.8 इंटू 0.8 इंटू 0.2 डिवाइड बाई 24 इंटू 3 ये आ गया 1.008। क्लियर, अब इसको इसमें से घटा दो, 40 माइनस 14 माइनस 5.04 प्लस 0.672 माइनस 0.1008 इक्वल टू 21.53। आंसर देखो सही होता न्यूटन एडवांसिंग मेथड के जो क्वेश्चंस होंगे सिक्स नंबर का प्रश्न, सिक्स नंबर का प्रश्न क्या कह रहे थे, अर्निंग पर डे दे रहे थे, ठीक है अर्निंग पर डे और अर्निंग पर डे दे रखी है कितनी 30 से 60 30 30 से 60 60 से 120 120 150 100 140 100 140 80 और 60 नंबर ऑफ पर्सन है, नंबर ऑफ देखिए इस मेथड में दोनों मेथड अप्लाई होंगे, दोनों मेथड कैसे अप्लाई होंगे देखिए डायरेक्ट बायनोमियल मेथड भी अप्लाई होगा, न्यूटन एडवांसिंग मेथड भी अप्लाई होगा। देखिए यहां पर हम बात करें तो देखिए यहां पर ये अबनॉर्मल वैल्यू आ गई, अचानक बढ़ गई भाई, देखिए 60 60 80 और 100 इसके मध्य की वैल्यू आनी चाहिए,
तो जब भी ऐसा पर्सन है तो उसमें आपको सबसे पहले उसको अबनॉर्मल वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल करना पड़ेगा, वो वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो वहां आप पर्सन वाचक चिन्ह लगाए, क्लियर हो गया। अब पर्सन वाचक चिन्ह आपने लगा दिया यहां पर, क्लियर। अब देखिए यहां पर, तो देखिए यहां पर अब नाउन नंबर कितने हैं, इसको संकेत देंगे तो x और ये y, तो ये x0, x1, x2, x2 और x3, ये y0, y1, y2 और y3, ठीक। अब डायरेक्ट बाइनोमियल मेथड भी यहां अप्लाई हो रहा है, क्लियर। तो देखिए यहां पर नाउन नंबर देखो 1, 2 और 3, 4 नंबर जो ये तो ना है ही नहीं। आपको यहां पर नाउन नंबर कितने हैं, ज्ञात मूल्यों की संख्या, कितनी है, तीन है। नाउन नंबर इज थ्री, क्लियर। तो देखिए यहां पर वाई माइनस वन की पावर थ्री इक्वल टू जीरो, वाई थ्री माइनस थ्री वाई टू प्लस थ्री वाई वन माइनस वाई जीरो बराबर जीरो। जब नाउन नंबर कितने होते हैं, तीन होते हैं, तो मैंने फॉर्मूला बता रखा है आपको। अब देखिए यहां पर मान पुट कर दीजिए, वाई थ्री का मान है 60 माइनस थ्री 80 प्लस थ्री वाई वन माइनस 100 इक्वल टू जीरो। देखिए 60 माइनस 240 प्लस थ्री वाई वन माइनस 100 बराबर जीरो, क्लियर। तो यहां पर 60 और ये हो गया माइनस का 340, इसको और इसको जोड़ते हैं माइनस माइनस प्लस थ्री वाई वन इक्वल टू जीरो, क्लियर। अब देखिए यहां पर इसमें से ये गया तो कितना बचा, 280 माइनस का प्लस थ्री वाई वन इक्वल टू जीरो, तो थ्री वाई वन इक्वल टू इधर जाएगा तो 280, तो वाई वन इक्वल टू 280 डिवाइड बाई थ्री, तो इसको अपन राउंड ऑफ में कितने लेंगे 90। तो यहां पर अब आपकी ये वैल्यू कितनी आएगी, अब देखिए नॉर्मल वैल्यू आएगी। अब फिर आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूटन एडवांसिंग मेथड फॉलो करना पड़ेगा। आप देखिए इसमें न्यूटन एडवांसिंग मेथड किस प्रकार से कैसे क्या फॉलो करोगे, न्यूटन एडवांसिंग मेथड। देखिए ये तो आपने अब नॉर्मल वैल्यू थी तो नॉर्मल वैल्यू कैलकुलेट कर ली,
अब आपको न्यूटन मेथड अप्लाई करना है, तो देखिए यहां पर देखिए इसको मैंने क्या कर दिया, बिलो 30, 60, बिलो 90, बिलो और बिलो, ठीक क्लियर। और ये आपकी वैल्यू आ गई कितनी, 93। अब आप इसको क्या करेंगे, इसको क्यूमुलेटिव करेंगे नंबर ऑफ पर्सन, और इसे क्या मानेंगे, वाई मानेंगे। देखिए 100 और इस क्यूमुलेटिव बनाएंगे इसका, इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो, और इसको ये 273 333। क्लियर। जब यहां पर दो क्लास इंटरवेल है जैसे 30, तो आपको यहां बिलो करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बिलो, ठीक है। तो बिलो कर, जैसे जब आप यहां बिलो करोगे तो आपको यहां पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तैयार करनी पड़ेगी, 100 193 1273, और इसको जोड़ेंगे। अब ये आपका यहां पर y0 y1 y2 और y3, ठीक है। अब देखिए यहां पर डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3, तीन तक ही बनेगा। अब देखिए यहां पर इसको छोड़ देंगे तो यहां डेल्टा 1 0 डेल्टा 1 1 डेल्टा 1 2 ये गया, डेल्टा 2 0 डेल्टा 2 1 और ये गया, तो डेल्टा 3 0। अब ये गया तो प्लस 93 80 60, इसमें से ये गया। अब 80 में से 93 गया तो माइनस के 13, 60 में से ये गया तो माइनस का 20। अब देखिए यहां पर माइनस के 20 में से आप माइनस और माइनस के 13 करोगे, माइनस 20 और प्लस का 13, तो माइनस का 7 बचेगा। अब अपना वही सेकंड स्टेप क्या था अपना, एक्स बराबर एक्स एक्स माइनस एक्स जीरो बटा एक्स वन माइनस एक्स जीरो, तो एक्स एक्स पर्सन में दे रखा है 90 एंड 105। तो देखिए 90 तो आपका यहां आ रहा है, इधर देखिए है, तो आपका एक्स एक्स कितना हो जाएगा 105 माइनस एक्स जीरो और एक्स वन 90 माइनस 60 45/30 इक्वल टू 1.5। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही, 1.5। अब वही सूत्र अपना वाई एक्स बराबर वाई जीरो प्लस एक्स डेल्टा 10 प्लस एक्स एक्स माइनस 1 डेल्टा 1 × 2 डेल्टा 20 प्लस एक्स एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 और 1 × 2 × 3 डेल्टा 30 प्लस एक्स एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 1 × 2 × 3 × 4 ये आएगा, यहां तक ही आएगा क्योंकि डेल्टा 3 है। अब मान रखेंगे y0 की वैल्यू 100, x की वैल्यू 1.5, डेल्टा 10 की 93 प्लस x की 1.5 माइनस 1 बटा 2 डेल्टा 20 का मान माइनस का 13 प्लस 1.5 माइनस 2 बटा 6 इंटू माइनस के 7, ठीक है। अब देखिए यहां पर 100 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 139.5 प्लस 1.5 और इसको 0.5 बटा 2 इंटू माइनस के 13 प्लस 1.5 और ये माइनस का 0.5 बटा 6 इंटू माइनस के 7। तो देखिए 100 प्लस 139.5 और ये माइनस का हो जाएगा, तो 1.5 × 0.5 × 13 / 2 ये 4.5
0.875 प्लस 0.1.5 × 0.5 × 0.5 देखिए 1.5 × 0.5 × 0.5 × 7 / 6 जाएगा 0.4375 ठीक। अब देखिए 100 प्लस 139.5 प्लस 0.4375 और माइनस 4.875 इक्वल टू 235। Yeah.